अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड आई होप कि आप लोगों ने अपना जो प्रीवियस लेसन है वो अच्छे से लर्न किया होगा. आर टूडेज टॉपिक इज अबाउट एलिमेंट्स. ठीक है, आज हमने एलिमेंट्स को डिस्कस करना है. डेट वॉट आर दी एलिमेंट्स. आई हैव मेड एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक एलिमेंट्स. फर्स्ट हमने देखना है कि कितने एलिमेंट्स डिस्कवर होते रहे थे डिफरेंट एजेस में. फर्स्ट पे देखें, इन अर्ली एजेस बिल्कुल स्टार्ट में कितने एलिमेंट्स नोन थे. 9 एलिमेंट्स वर नोन. बिल्कुल स्टार्टिंग में ओनली 9 एलिमेंट्स वर नोन. फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी 19वीं सदी में कितने थे, 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे. नाउ आर डेज आजकल कितने एलिमेंट्स नोन है, 118 एलिमेंट्स नोन है, जिनमें से 92 जो हैं वो नेचुरली अकरिंग है, मीन्स वो हमें नेचुरली मिल जाते हैं 92. और उसके अलावा बाकी जो है 118 में से 92 नेचुरली अकरिंग है, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, आर्टिफिशियली हमने उनको सिंथेसाइज किया हुआ है लेबॉरेटरीज में. ठीक हो गया. फर्स्ट उन्होंने आपको पहले बताए हैं 3 पॉइंट्स में कि एलिमेंट्स की डिफरेंट एजेस में कितनी डिस्कवरी थी, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन थे. इन दी अर्ली एजेस 9 एलिमेंट्स नोन थे. फिर 19th सेंचुरी के एंड तक 63 एलिमेंट्स हो गए थे डिस्कवर. नाउ आर डेज 118 एलिमेंट्स आर नोन, आउट ऑफ विच 92 आर नेचुरली अकरिंग, और जो रिमेनिंग है वो हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं. डेफिनेशन देखें तो एलिमेंट क्या है. एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स. ये एलिमेंट क्या है, एक ऐसी सब्सटेंस है जो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट एटम से मिलकर बने होते हैं, हैविंग सेम अटोमिक नंबर, और जो उसमें जितने भी एटम्स हैं सबका अटोमिक नंबर सेम है, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस. और हम उनको मजीद सिंपल सब्सटेंस में डीकम्पोज नहीं कर सकते. डीकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक करना. कैसे, बाय ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी का मतलब होता है जो आम हम लैब्स में यूज़ करते हैं उन मेथड से, केमिकल मींस, जो आम केमिकल रिएक्शन है, ऑर्डिनरी केमिकल मींस है, उनके जरिए हम उनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. एग्जाम्पल अगर आप देखें, हाइड्रोजन ये क्या है, ये एक एलिमेंट है. अब जो हाइड्रोजन एलिमेंट है वो हाइड्रोजन एटम से ही मिलकर बना होगा, उसके अंदर कोई भी दूसरा एटम ऐड नहीं होगा. ठीक हो गया. एक तो हो गई उसकी मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम. तो हाइड्रोजन एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे वो हाइड्रोजन के ही होंगे, मींस सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे, और उनका क्या है, जो एटॉमिक नंबर है वो भी सेम होगा. ठीक है, ये जो हाइड्रोजन के ऊपर आपको ये 1 और ये 1 नजर आ रहा है, ये इसका एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे ये इसके एटॉमिक मास को. और ये जो हाइड्रोजन एटम्स है इनको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. ये तो हो गई हाइड्रोजन की एग्जाम्पल. इसी तरह है कार्बन. सी किसका सिंबल होता है, कार्बन का. कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर होता है 12. अब कार्बन जो एलिमेंट है उसके अंदर क्या होंगे, कार्बन एलिमेंट के अंदर सिर्फ कार्बन एटम्स ही होंगे, और जो तमाम कार्बन एटम्स हैं उनका एटॉमिक नंबर 6 ही होगा, उनका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा. सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका एटॉमिक मास है 16. अब जो ऑक्सीजन एलिमेंट है वो तमाम ऑक्सीजन एटम से ही मिलकर बना होगा, इसके अंदर कोई भी दूसरा एटम ऐड नहीं होगा. सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर बना होगा ऑक्सीजन एलिमेंट, और इसके अंदर जितने भी ऑक्सीजन एटम्स हैं उनका एटॉमिक नंबर 8 ही रहेगा, और इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. बुक से हम देख लेते हैं, वही बात आपको पहले बताई है फर्स्ट पॉइंट में. इन दी अर्ली एजेस ओनली 9 एलिमेंट्स वर नोन. आपने ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद करना है. 9 एलिमेंट्स कौन से थे, कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर. ये सब क्या हैं, ये 9 एलिमेंट्स है जो स्टार्टिंग पे डिस्कवर हुए थे. फिर एट दैट टाइम इट वाज कंसीडर्ड, उस टाइम पे अर्ली एजेस में क्या कंसीडर किया जाता था, डैट एलिमेंट्स वर दी सब्सटेंसेस डैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर यूनिट्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस. ठीक हो गया. अब जो अर्ली एजेस में कितने थे, 9 एलिमेंट्स हैं, उनके नेम्स बताए हैं, और ये बताया गया है कि तब एलिमेंट्स की क्या डेफिनेशन थी, कि वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. सेकेंड पॉइंट में, अंटिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी 63 एलिमेंट्स डिस्कवर थे. थर्ड पॉइंट देखें, नाउ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, आउट ऑफ विच 92 आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स. ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद करना है. नेक्स्ट आ जाती है डेफिनेशन. डेफिनेशन आपने एज इट इज ही याद करनी है. मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट इज दैट इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स. एक ऐसा सब्सटेंस जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है, और उन एटम्स के क्या है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम है, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इंटू
सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस, जिसको हम ऑर्डिनरी केमिकल मींस से फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन एज इट इज याद करनी है। इट मीन्स डेट ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम्स डेट हैव वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि जो एलिमेंट है वो सेम टाइप ऑफ एटम से ही बना होगा जिनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है। जैसे कार्बन एलिमेंट था वो कार्बन एटम से ही मिलकर बना होगा, पर हर कार्बन एटम की जो है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिफरेंट होंगी दूसरे एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है अक्रंस की। अक्रंस ऑफ एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म, ठीक है, फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी। इसको अगर आप देख लें तो जैसे हाइड्रोजन है इसने हमेशा कंबाइंड फॉर्म में H2 की फॉर्म में करना है, अकेला हाइड्रोजन ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसने हमेशा कंबाइंड फॉर्म में, या तो H2 HCl H2O इस फॉर्म में हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। फ्री फॉर्म में कैसे है? एक होता है एलिमेंट हीलियम, ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन जो हाइड्रोजन है इसने हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करना है। ये बात बताई है कि एलिमेंट फ्रीली भी एग्जिस्ट करते हैं और कंबाइंड फॉर्म में। ऑल द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट फाउंड इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट परसेंटेजेस इन द अर्थ क्रस्ट ओशन एंड एटमॉस्फेयर। अब जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी अर्थ में ओशन में और एटमॉस्फेयर में जो कंसंट्रेशन है परसेंटेज है वो डिफरेंट है। टेबल में क्या बताया गया? शोज नेचुरल अकरेंस इन परसेंटेज बाय वेट ऑफ सम मेजर एलिमेंट्स अराउंड अस। इट शोज कंसंट्रेशन ऑफ दीज मेजर एलिमेंट्स फाउंड इन थ्री। अब आपने ये हेडिंग देनी है एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म, ठीक हो गया। उसके बाद आप ये टेबल याद करोगे। अर्थ क्रस्ट में क्रस्ट ऑफ अर्थ किसको बोलते हैं? जो हमारी जमीन है उसके अंदर कितनी है ऑक्सीजन की परसेंटेज? 47%। सिलिकॉन है, सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है? Si। सिलिकॉन 28% है। एल्यूमिनियम होता है Al, ठीक है, 7.8%। ओशंस में क्या है? जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है 86%। हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे देखें ऑक्सीजन 47 थी, ओशन में कितनी होगी? 86%। और जब एटमॉस्फेयर में जाएगा तो 21%। फिर हाइड्रोजन है क्योंकि वाटर किसे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही मिलकर बना ना, 11% इसमें हाइड्रोजन है। क्लोरीन 1.8% है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21% एंड आर्गॉन, ठीक है, आर्गॉन ये एक गैस है, ठीक है, सिंपल इसका होता है Ar, 0.9%। ये आपने परसेंटेजेस एज इट इज ही याद करनी है। नेक्स्ट आ गया है फिजिकल स्टेट्स क्या है एलिमेंट्स की। आपको पता है ना फिजिकल स्टेट्स कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब हमने देखना है कि एलिमेंट्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एलिमेंट्स में भी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो फर्स्ट के ऊपर आप हेडिंग दोगे सॉलिड की, सॉलिड एलिमेंट्स कौन से हैं? मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज सॉलिड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि मेजोरिटी जो एलिमेंट्स की किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? सॉलिड फॉर्म में। एग्जाम्पल है सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड, ये हो गए सॉलिड एलिमेंट्स की एग्जाम्पल। उसके बाद आगे है लिक्विड एलिमेंट्स कौन से हैं? देर आर वेरी फ्यू एलिमेंट्स विच अकर इन लिक्विड स्टेट। बहुत कम जो है वो लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं। कौन से हैं? मर्करी एंड ब्रोमीन। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है विच एलिमेंट्स अकर इन लिक्विड स्टेट, तो आप उसका आंसर लिखोगे मर्करी एंड ब्रोमीन। अ फ्यू एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज गैसेज, कुछ एलिमेंट्स गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ठीक हो गया। ये आपने हेडिंग देनी है फिजिकल स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स में, ये लाइन लिखोगे। उसके बाद इसी तरह हेडिंग्स के फॉर्म में लिखोगे, सब हेडिंग्स में सॉलिड एलिमेंट्स हैं, लिक्विड एलिमेंट्स हैं, फिर गैसियस एलिमेंट्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू, ठीक है, प्रॉपर्टीज की बेस में एलिमेंट्स को हम थ्री क्लासेस में डिवाइड करते हैं। मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं एंड मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। मेटल्स का भी नॉन मेटल और मेटलॉइड्स किसको बोलते हैं? जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पाई जाती हैं। अबाउट 80% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स। अब जितने भी एलिमेंट्स नॉन है उसमें से जो 80% है वो क्या है? मेटल्स हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टूडेज टॉपिक। आपने ये पूरा टॉपिक लर्न करना है। फर्स्ट आपने ऑब्जेक्टिव के 3 पॉइंट्स याद करने हैं, एलिमेंट की आपने डेफिनेशन एज इट इज याद करनी है, उसके बाद अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स की हेडिंग दोगे, एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन फ्री एंड और कंबाइंड फॉर्म, और उसके बाद आप ये टेबल याद करोगे। फिर आप हेडिंग दोगे फिजिकल स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स की, ठीक हो गया। उसके बाद सब हेडिंग्स लिखोगे, 3 सॉलिड एलिमेंट्स, लिक्विड एलिमेंट्स एंड गैसियस एलिमेंट्स। उसके बाद आप हेडिंग दोगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की,
ठीक हो गया। और इसके बाद इसको एक्सप्लेन कर दोगे, यहाँ पर लिख दे आर डिवाइडेड इनटू, फिर उसके बाद नीचे थ्री पॉइंट्स में लिख दोगे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, और उसके बाद लास्ट पे लिखोगे अबाउट 80% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स।